हेलो एवरीवन, मेरी ग्रीन लाइवी चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है, ये मैं अपना ओवरव्यू देने वाली हूँ गार्डन का, तो आइए लास्ट तक बने रहे मेरे वीडियो में। इस ओवरव्यू में आपको ये दिखाना चाहती हूँ कितना बदलाव हुआ है बरसात में और कौन सा प्लांट कैसा चल रहा है, ये दिखाना चाहती हूँ। ये गार्डन ओवरव्यू में, तो ये टोपाई भी बनाई थी, देखो तो कितनी खूबसूरत है अपराजिता की टोपरी। इसमें अब फूल खिले हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, ब्लू कलर। और देखिए सिंगोनियम का कितना खूबसूरत चल रहा है, इसको मैंने रिपोर्टिंग भी कर दिया था, देखो तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखो हैंगिंग बास्केट में, और एक मेरा बास्केट में देखो ये क्रीपर वाला, तो ये भी कितना अच्छा सा चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है। तो ये बास्केट के मैं अभी दिखा रही हूँ आपको कौन सा कैसा चल रहा है। ये भी देखो ये सिंगोनियम की ही वैरायटी होती है, और इसको मनी प्लांट भी बोलते हैं कुछ। तो देखो कितना ग्रीन लुक आया हुआ है इसका, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसकी लीफ देखो पॉइंटेड, और एक कितनी डार्क ग्रीन और वाट, ये बीचों बीच सेंटर में इसकी वाइट कलर की ये एक लाइन पड़ गई, तो बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरह के प्लांट आप खरीद सकते हैं। और एक ये बेबी टीयर्स है, ये भी बहुत अच्छा चल रहा है, देखो कितना बूसी हो गया है, और इसने पूरा गमला कवर कर लिया। और उधर अपने देखो ये टर्टल वाइन, तो ये सब बहुत सारी है मेरे पास। तो एक मेरा देखो ये भी बहुत अच्छी ये लगती है। ये भी देखो कितना गमला इसने पूरा गमला पोट, मतलब हैंगिंग पोट पूरा कवर कर लिया, और रेड में ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखो ये भी कितना ये अच्छा लगता है, ये भी इसमें ये बास्केट में इसे भी लगा दो तो ये भी अच्छा लगता है ये। और ये देखो एक बास्केट ये है रियो प्लांट की, तो ये भी कितनी ही खूबसूरत लगती है वाइट कलर के और वाइट में, और देखो कितना खूबसूरत लगता है ये ग्रीन और इधर से पर्पल। तो ये मेरे पास बहुत सारा हो गया, मैंने कटिंग लगा के इसकी काफ़ी सारे प्लांट बना ली, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये देखो ये तो पूरा अपने भरी हुई है, पूरा बोल का रूप है इसका, मैंने कितनी बार दिखाया हुआ, तो मैं जितनी बार भी दिखाती हूँ कुछ और ज़्यादा ही भर जाता है। तो इसके ऊपर मैं कुछ और भी काम करने वाली हूँ, कुछ और भी मेरे दिमाग में घूम रहा है, इस पे मैं क्या काम करूँगी आपको आगे भी दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए अब मैं इधर आ गार्डन ओवरव्यू में, तो ये टोपाई भी बनाई थी, देखो तो कितनी खूबसूरत है अपराजिता की टोपरी। इसमें अब फूल खिले हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, ब्लू कलर के, जो शिव भगवान को प्यारे होते हैं। तो इसमें फूल भी ये देखो ये बर्ड्स बनी है, तो अब कितना खूबसूरत इसका लुक आ गया है, बहुत ही सुंदर लुक आ गया है। और एक ये बनाई थी मैंने जेड प्लांट पर, तो ये भी बहुत ये राउंड शेप में थी, ये देखो ये मैंने आपको वीडियो भी डाल रखी है इसकी, दिखाया था ये राउंड शेप में है, तो थोड़ा थोड़ा लुक इसमें भी आ गया है अब देखो। और ये तो मैंने आपको दिखा दिए बुद्धा जी की, और यहाँ पे ये देखिए ये रियो प्लांट कितने खूबसूरत खूबसूरत रखे हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे तो। ये देखो कितना हेल्दी हो गया ये। और उधर दूसरा है, ये तीन चार कलर के हैं मेरे पास। और ये आ जाते एक मैंने ये बनाए थे, ये बुद्धा जी ये टोपाई थी, तो ये भी देखो कितनी खूबसूरत चल रही है। और ये देखिए बुद्धा जी बैठे हैं, इसमें दो हैं मेरे, और इसमें ये गोल्डन ये मनी प्लांट है, तो ये देखो कितना बूसी चल रहा है, इसमें खूबसूरत चल रहा है ये बरसात में, और वाइट गमला है इसमें, तो इसमें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये अपने ये ब्रोकन हार्ट है, तो देखो इसमें कितने सारे छेद होते हैं इसमें, तो ये भी एक खूबसूरत लुक में है अपना ग्रीन और वाइट गमले में कितना खूबसूरत है। और यहाँ तो देखो मैंने दिखाया यहाँ को बार, ये वाले प्लांट देखो कितने अभी भी फूल खिले हुए, और ये प्लांट देखो इस पर कितना खूबसूरत फूल बन गया है, और पत्ती बहुत सुंदर है। और ये देखिए ये अपने ये आलमंडा के, तो ये तो बस रेडिश भी हमेशा बने ही रहते हैं, और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, ये देखो बहुत ही सारा काफ़ी सारा फूल। और इसमें ये मनी प्लांट की हमने तो पायरी बनाई थी, और इसमें ये बच्चे बिठाए थे, देखो अब इतना चेंज आ गया, कई सारी मैंने टोपायरी मेरी दिखाई देगी मेरे गार्डन में, तो ये देखिए। और इधर भी कितना ये अच्छा लुक लग रहा है इसका, और उधर से देखो बहुत सारे प्लांट हैं,
एक एक करके तो कहाँ नाम बताना बता पाऊँगी, तो मैं आपको यहीं से दिखा देती। ये देखिए ये होया प्लांट है, ये ग्रीन कलर का, उसकी बगल में भी ये कितना सुंदर लीप का है, बहुत प्यारा लगता है। और ये देखिए हमारे सारे छोटे मोटे प्लांट सारे रखे हैं। और ये जो होता है ये देखो, और इधर ये देखो, ये भी कितनी सुंदर लग रहा है स्टिक वाला। और इधर भी देखो, ये देखिए ये ड्रेसिना की ही वैरायटी होती है, ये भी बहुत सुंदर लंबा चौड़ा प्लांट है। तो ये देखिए कितनी सुंदर इसकी लीफ है। और वहाँ हमारे वैसे की वैसी देखो, ये और भी अच्छे हुए हैं तब से। ये देखो ये डेफिनबेकिया, ये कितने सारे प्लांट। और ये मेरी बास्केट है, ये इधर ये अजवाइन की है, तो ये भी देखो एक बास्केट बनाई है मैंने इसकी। और ये भी देखो, और इधर भी देखो, और ये भी पर्पल हार्ट की जो बोलते हैं, इस पर पर्पल कलर का फूल आता है, इसको भी मैंने बास्केट दी है। इधर हमारे छोटे मोटे इधर भी रखे हैं, ये देखो, और डेजर्ट रोज भी रखा है। तो काफ़ी सारे प्लांट इतने बड़े हैं, ये देखो ये रियो प्लांट है, इसके भी मैंने कई सारे बनाए, ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ से मैं देखो ये टेंथस, ये छोटे छोटे टमाटर के ये वो बहुत सारे हैं, और सभी तरह के मैंने यहाँ पे रखे हुए। ये देखिए इधर का लुक कुछ ऐसा है, जंगल लुक आ गया है हमारा, देखो कितना खूबसूरत आ गया है। तो और ये देखिए यहाँ पे ये भी एक डेजर्ट रोज रखा हुआ है, और यहाँ पे ये फ्लावर प्लांट कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये देखिए। और ये देखिए ये पोलका डॉट का भी बहुत सुंदर लग रहा है, ये ग्रीन पे और डार्क पिंक कलर भी है ये इस पर। और ये मिर्च का प्लांट भी है, इधर बहुत सारे प्लांट है। ये देखो एक फ्लावर प्लांट इधर भी है पेंटास के, ये तीन कलर हैं, तीनों ही अभी हैं मेरे पास। तो और इधर के देखो ये कुछ इस तरह का है, ये मैक्सिकम पिक्टोनिया, ये अरेलिया। अरेलिया का लुक भी बहुत अच्छा लगता है अगर हम ज़्यादा ग्रीन ग्रीन हो और ये लाइट कलर का डाल देते हैं, बीच में रख देते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। तो इधर देखो सभी तरह के फूल हैं, रेड भी है और येलो भी है, और ये वाला रेड भी है, उधर पर्पल भी है, इधर वाइट भी है, सभी तरह के हैं। तो ये देखो ये अलग अलग कलर के मैंने यहाँ पे ये रखे हुए हैं, ये देखो। और इधर मेरा सबसे सुंदर वाला ये जैस्मिन वाइट कलर का, ये देखो ये तो मैं बिल्कुल पास से दिखाने वाली हूँ आपको, कितना बूंसी घना है और कितना खूबसूरत ये लग रहा है इस समय। ये देखो अभी अंधेरा सा हो गया, नहीं तो ये अब मुझे तो बहुत वाइट दिख रहा है, लेकिन इतना कैमरे में नहीं दिख रहा। ये देखिए गेंदा भी रखा है, और ये हमारे मॉस रोज है। मॉस रोज की देखो ये स्थिति होगी, ये जो मॉस रोज होता है ना ये हाइब्रिड वाले, तो ये अब ऐसे हो गए तो ये अब गलना शुरू हो जाएंगे। इनको अगर आप कटिंग से लगा लें पहले तो ये अच्छे रहेंगे, तो ये नए प्लांट बन जाएंगे हमारे। और यहाँ देखो ये सारे ही, और ये बिगोनिया है, देखो बिगोनिया पे अभी भी मेरे फूल बने हुए हैं, ये देखो। और मेरे पास कई सारे हैं जो मैंने कटिंग से लगाए थे वो मेरे चल रहे हैं, और जो इनके मदर प्लांट थे वो इनके सारे ख़त्म हो गए। तो एक ये है, ये लंबी है, ये वाला पत्ती वाला, ये वाला, इस पर भी देखो कितना सुंदर फूल आया हुआ, इसका फूल मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, और लंबी लंबी लीफ। और ये बालसम पे भी काफ़ी सारे फूल आए हुए हैं, देखो इस पर भी अलग अलग कलर के आते हैं, कभी वाइट कभी पिंक और कभी रेड कभी मैरून, पता नहीं अलग अलग रानी कलर कुछ इस तरह के अलग ही अलग है, इस पर पता नहीं कितने सारे कलर के फूल आते हैं, और बहुत ही सुंदर लगता है। इधर देखो ये वाइट में भी है, ये काफ़ी मतलब काफ़ी सारे अलग अलग देखे मैंने इसके जब से है, ये देखो ये थोड़ा सा अलग है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये इस तरह के प्लांट अगर मिलते हैं तो ज़रूर लें। इसका यहाँ का कॉर्नर का लुक देखो कुछ इस तरह का है, यहाँ से मैं दिखाती हूँ ऊपर से, तो ये भी कुछ अच्छा सा बन के आया है, थोड़ा लुक चेंज हुआ है यहाँ का। और ये हमारे देखो ये तो वही है जो अभी मैंने वो रेड का दिखाया था, और ये फूल आ रहे हैं इस पे भी, एग्लोनीमा पे, इस पे भी, ओ सॉरी ये देखिए ये मेरे पास येलो कई सारे हैं, दो तीन हैं गुड़ के। और आज ये इतना खूबसूरत बड़ा वाला खिला है, ये बहुत दिनों में खिला है, छोटा सा ही प्लांट था ये,
ये प्लांट है, तो इस पर देखो कितना बड़ा फूल खिला है, येलो कलर का, येलो में कुछ मिक्स भी है इस पर, देखो दूसरा कलर भी मिक्स है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखो। तो ये बहुत दिनों के बाद खिला है, तो ये इस तरह के गुड़हल कितने खूबसूरत लगते हैं। गुड़हल तो सभी अच्छे लगते हैं, मगर देखो छोटा सा प्लांट है, ये हाइब्रिड प्लांट है, तो इस पर ग्रीन ग्रीन लीफ और ये येलो कलर का खूबसूरत सा फूल, कितना खूबसूरत है। ये आज ही खिला है, का लुक देखो कैसा लग रहा है, कितना खूबसूरत। और ये देखो प्लांट इतने सारे रखे हैं, पता भी नहीं चला है। ये देखो ये बोगनवेलिया का है, एक तरह का ये है, ये वेरीगेटेड, और एक ये है ये नॉन वेरीगेटेड। ये देखो इस पर भी फूल भी लगे हैं। तो और यहाँ पे ये देखो मिली ये वो रखा है, तो कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ देखिए ये भी कितना ग्रीन हो गया है, ये धूप में रखा जाता है तो धूप आजकल नहीं निकल रही। और ये देखिए हमारा ये भी कैक्टस प्लांट, मुझे बहुत ही सुंदर लगते हैं ये छोटी छोटी बारीक बारीक जो लगे रहते हैं, ये पतले पतले ये ऐसे खड़े रहते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इधर देखिए ये बहुत बारीक पतली पत्ती वाला ये फूल का प्लांट, फूल आता है इस पर छोटा सा। ये देखो इसको बास्केट में भी हम रख सकते हैं, इसकी बास्केट बनाओ, बहुत ही खूबसूरत लगती है। और यहाँ पे ये देखिए ये प्लांट भी कितना खूबसूरत है, और ये कटिंग से भी लगाए हैं, इसमें जो है कुछ कटिंग से भी है मेरे। तो ये हमारे फिर से हिबिस्कस आ गए, ये बड़े बड़े, और ये कितने हरे हरे हो रहे हैं भाई। और इसके बीच में लेमन घास भी रखी है, देखो कितनी बड़ी चौड़ी पत्ती हुई इसकी, तो बीचों बीच रखा है इसको, बिचारे को जगह भी नहीं मिल रही, तो ये बीच में खड़ा हुआ है ये देखिए। और यहाँ हमारे गुलाब हैं ये सारे, देखो गुलाब मैंने सब कट कर दिए हैं सारे, काफ़ी सारे लगे हुए थे। और ये कलियाँ बारिश से, हमारे यहाँ लगातार बारिश पड़ रही है, रोज अभी भी बारिश पड़ रही, तो और ये देखिए ये ऐसी हो गई बारिश की वजह से। और कुछ मैंने छोड़ दिया कुछ अभी, ये देखो इस तरह के हैं पिंक कलर के गुलाब, और कुछ अभी बर्ड्स भी आई हुई हैं, तो मैंने आज भी बहुत सारी कटिंग करी है फूलों की, ये सारे हटा दिए। और इधर मेरा ये जगह जगह रखा है, ये चाइनीज़ पालक होता है, ये गर्मी में अच्छा रहता है, बरसात गर्मी में खूब खाओ इसको तोड़ तोड़ के। और ये बीज से भी बहुत जल्दी इधर उधर बिखर जाते हैं इसके बीज, तो ये कहीं भी जम जाता है। और ये सारी बरसात गर्मी ये हरे रहते हैं, और खूब इस पर यहाँ से मैं तो तोड़ तोड़ के इतना इतना ले जाती हूँ, बहुत सारे प्लांट हैं ये मेरे पास। इधर मोगरा भी है, और इधर कनेर भी है वाइट कलर का, ये देखो ये खिल रहा है। और बारिश से देखो क्या हाल हो रहा है, दीवार को ये ख़राब होती जा रही है, तो इसकी भी सफाई करनी पड़ेगी, अभी ये आजकल में ही हो गई क्योंकि लगातार बारिश पड़ रही है, तो ये मिट्टी इसकी निकल जाती है लाल लाल, तो ये ख़राब हो जाती है दीवार, देखो। अब ये सफाई का काम भी बढ़ गया क्योंकि जितना बारिश हो रही, ग्रीन तो अच्छे लग रहे, ग्रीन भी बहुत है, तो प्लांट के लिए तो हमारे बहुत अच्छा है ये बारिश, मगर ये देखो नुकसान भी तो हो रहा है। और ये हमारे लाल वास बीच में बैठे हैं, और ये भी देखो हिबिस्कस का, और ये हमारा वाइट वाला जो अपराजिता है, इसको पंछियों ने खा लिया है कुछ थोड़ा थोड़ा, तो ये इसकी फलियाँ भी अब पता भी नहीं चलता, और इतनी बड़ी बड़ी मटर की फली जैसी हो जाती है। तो ये देखो ये प्लांट का है, तो इस पर फूल आते रहते हैं वाइट कलर के, ये देखो यहाँ का कुछ इस तरह का है, ये देखो कितने सारे प्लांट है। ये अपना ये देखो, ये हमारा थूजा प्लांट है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो गोल्डन सा ग्रीन सा, बहुत ही प्यारा लग रहा है, जिसे हम विद्या भी बोलते हैं, सरस्वती का वास होता है इसमें। तो ये देखो ये बहुत अच्छा है चल रहा है, ये भी ग्रीन, इसमें काफ़ी मिर्ची भी लगी हुई मेरे, ये देखो ये पहले ग्रीन थी उसकी दिखाई थी मैंने, अब देखो ये टॉप पे ये पर्पल हो जाएंगी, ये पर्पल हो जाती है फिर, और फिर ये रेड होती है, खाने में बहुत तीखी है। और अभी भी इतनी सारी लगी है क्योंकि हम बहुत सारे प्लांट हैं मेरे मिर्ची में, तो मिर्ची बहुत सारी आती है, कभी इस पे कभी उस पे, मैं दिखाती कम, मगर ये मिर्च वाले मेरे बहुत सारे प्लांट हैं। और ये हाँ, ये जब मैंने पिछली बार दिखाया था मिर्च का प्लांट, तो कई लोगों ने पूछा था ये मिर्च कौन सी है, तो ये देखो ऊपर लगती है, ये कहाँ से लिया, मैंने पहली बार ये नर्सरी से एक प्लांट लिया था विंटर में, तो छोटा सा ही लिया था बहुत, तो ये मैंने बीज बिखेर दिया था, वो प्लांट तो चला गया मेरा, मगर देखो ये बीज बिखेरे थे तो बहुत सारे,
ये जगह जगह जम है, तो इस पे देखो ये मिर्च इस तरह की है, ये लौंगिया मिर्च बोलते हैं इनको। किसी ने पूछा था ये मिर्च कौन सी, ये लौंगिया मिर्च बोलते हैं। आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, हमारे यहाँ तो ये लौंगिया मिर्च बोलते हैं इसको। और मिर्च इसमें बहुत आती है, गुच्छों में आती है। देखिए अभी शाम नहीं है, लेकिन शाम जैसी दिखाई दे रही है कि बादल हो रही है यहाँ पे। तो अभी मैंने दो ये जो वीडियो बना रही हूँ मैंने कम से कम 3-4 बार शूट किए, क्योंकि बार बार इतनी तेज़ बारिश हो जाती है। अभी जैसी शुरू की थी फिर आ गई थी, लेकिन फिर वो बारिश फिर हो गई। अब ये देखो ये क्रोटोन का है, ये बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। देखो ये पीले पीले डॉट डॉट इस पर और ग्रीन ग्रीन, ये बहुत ही खूबसूरत लग। ये मैंने पिछले साल कटिंग से लगाया था, तो ये अब देखो इतना बड़ा है, छोटे से डिब्बे में रखा है। वेस्ट डिब्बा था ये किचन का, तो इसमें ये इतना लंबा खड़ा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। तो एक कटिंग मैं इसकी लगाऊंगी, अभी मैंने कटिंग नहीं लगाई इसकी। तो ये देखिए इतने सारे प्लांट मैंने, और जेड प्लांट पे आजकल मैं काम कर रही हूँ, तो जेड प्लांट मैंने बहुत सारे बनाए हैं अपने। तो मैं आगे इनकी वीडियो आपको दूंगी काफ़ी सारी। ये देखिए अभी मैंने कितने नाम भी नहीं बताए, इधर पीछे भी रखे हैं, फिर बूंदे आने लगी बारिश की। ये वाला भी एक औषधि प्लांट है, बहुत अच्छा है। छुईमुई लाज बनती भी बोलते हैं इसको, छुईमुई भी बोलते, और इस पर फूल भी आता। ये औषधि प्लांट है, क्योंकि मैंने ये यूज भी किया है इसलिए पता है मुझे। तो मैं इसके बारे में बताऊंगी मैंने किस चीज़ में यूज किया था, इस पर भी एक वीडियो दूंगी मैं आपको। और ये हमारा देखो, और एक मेरा ये वाला प्लांट भी बहुत अच्छा है, इस पर फूल आते रहते। तो ये इसको चाइना डोल भी बोलते हैं इसको, और इसका दूसरा नाम भी है, अभी मैं भूल गई हूँ इस समय। तो ये देखिए बहुत सारा प्लांट है दिखाने के लिए, इतना सारा है कि अब रात सी होने लगी। अब इतनी ही वीडियो में बस बंद कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी ये तो मैंने दिखा ही नहीं पाई, इतने सारे हैं, ओवरव्यू में भी मैं दिखा नहीं पा रही। देखो इतने सारे प्लांट यहाँ रखे हुए हैं। तो ये देखिए बारिश सारी है, बूंदे आ गई। और ये देखो ये हमारा कितना खूबसूरत है, ये मधुकामनी का बहुत बड़ा है, इस पर बहुत फूल आते। ये कुछ दिन तो ये रेस्ट पे होता और फूल इस तरह के इतने फूल सुंदर रहते, बहुत खुशबू बखेरता है। इतने सारे प्लांट रखे हैं यहाँ पे। और ये मेरे ये देखो गुलदावरी के, और ये मेरी देखो वाटर वाली केव वाला, ये वाटर केव, इधर कटिंग भी रखी है। तो मेरा ये सूख जाता है एक प्लांट ना मेरा, ये सब उसका जो ये होता है दिन का, तो ये इसमें चल गई। अब ये पक्का चल जाएंगे मेरे, अगर हम कटिंग लगा लें ना। ये क्या होता है, ये हाइब्रिड वाले जो भिनका होता ना, ये पानी से अगर तुम बारिश में रखोगे तो पानी से गल जाएगा, इसे धूप में रखोगे तो ये धूप से भी सूख जाता है। तो इससे ज़्यादा इसको कोई भी चीज़ पसंद नहीं, ना ज़्यादा धूप और ना बारिश। तो मैंने देखो ये रेड वाला ये यहाँ रखा, तो ये मेरा बिल्कुल ठीक है, हालांकि मैंने इसकी भी कटिंग लगा ली। और बाकी जो मैंने पहली वाली वीडियो में दिखाए थे तो उनकी मैंने सबकी कटिंग लगा ली। और ये पुराने मेरे वो कुछ चले गए और कुछ है मेरे पास। तो ये देखिए इतना सारा यहाँ भी रखा हुआ है। और इधर ये गुफा प्लांट रखा है इसका भी, ये मुझे पता ही नहीं चला, इसमें पानी था ही नहीं, मैंने सोचा बारिश का पानी आ रहा होगा और इसमें पानी सूख गया, तो इसके फूल भी सूखे सूखे हो रहे। तो ये देखो इतना सारा। और ये देखो जंगली प्लांट है, ये कुछ औषधि का भी है, खाने का बताते, इसमें फूल आते हैं और बड़े सुंदर लगते हैं। अभी तो ये फूल बंद हो गए, तो ये पत्तियाँ भी मुझे इसकी ऐसी ये हार्ड की तरह लगती, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और ये कहीं भी जम जाता है हमारे, जितने कहीं भी गिर हो जाता है, इसका बीज हमारे अक्सर गिर जाता है हमारे प्लांट में, तो पॉट में तो ये कहीं भी जम जाते हैं। मेरे तो बहुत सारे पॉट में ये लगे हुए थे, तो मैंने इनको एक ही पॉट दे दिया। ये देखो, और ये देखो कितना खूबसूरत है ये। और ये वेंडिंग जू है ये, तो ये देखो ये मग में रखे, ये इधर भी दिखाई दे रही है और ये उधर भी दिखाई दे रही है, और ये कितनी खूबसूरत लग रही है देखो। और अभी सीढ़ी होती है, दो सीढ़ी मेरी रह गई यार, दोनों बालकोनी रह गई, तो बहुत लंबी भी हो जाएगी। अब यहाँ अंधेरा हो गया, यहाँ कैसे दिखाऊंगी मैं आपको, अंधेरा हो गया है, तो इसलिए ये देखो ये प्लांट कितने मतलब खूबसूरत हो रहे, हरे भरे और फूल वाले बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इसके बस केयर टिप्स यही है कि इनको बस पानी बिल्कुल ना रुकने दें गमलों में। देखो मेरे किसी गमले में मैंने इतना दिखाया आपको,
किसी, और बारिश लगातार हो रही है हमारे, किसी एक भी गमले में पानी नहीं मिलेगा, तो ये मच्छर भी हो जाता है। और फिर इसकी सोयल ऐसी है कि जो ये सोयल है मेरी छत के हिसाब से बनाती हूँ मैं, और इस सोयल में पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरता, तो बारिश फिर आ गई तेज। और यहाँ पर ये टिकोमा भी खिला हुआ है, ये देखिए येलो कलर का। और एक ये मैं दिखाती हूँ, ये चाइनीज पालक देखो, इस पर आज ये फूल खिला हुआ है। इस तरह का फूल होता है जो मैं बताती हूँ कि पालक पे ये फूल भी आता है चाइनीज पालक पे। तो ये मैं इसको कट करती रहती हूँ, और देखो कितनी जल्दी इसमें ये ब्रांच निकल जाती है, तो ये बूशी हो जाता। और इसको कट करते रहो तो ये खाने में काम आता है। तो देखो ये प्लांट भी अच्छा है, और देखो इनमें तो वास्तव में, ये देखो ये फ्लावर तो कितनी भी बारिश हो, मगर ये जो पर्सनल होते हैं इन पे फूल बने ही रहते हैं, इन पे नहीं रुकती फ्लावरिंग, चाहे बारिश हो या कुछ भी है, चाहे गर्मी पड़े। बारिश गर्मी तो इनके लिए अच्छी होती है क्योंकि धूप चाहते हैं ये। और ये देखिए कुछ इस तरह से ये फैल गए हैं टर्टल वाइन, और ये भी बड़े बड़े फ्लावर हैं। और ये देखिए जेब्रा कैक्टस है, और एक कैक्टस ये है, ये मैंने डेकोरेट किया था, दिखाया भी था शॉर्ट वीडियो में। और ये देखो नेपाली मनी प्लांट बोल रहे थे, ये काफ़ी कॉस्टली भी मिलता है, लेकिन बहुत डार्क ग्रीन रहता। और यहाँ मैं नीचे दिखाती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ ये ग्रीन प्लांट है ये पत्तियों का, तो ये बहुत डार्क ग्रीन है, ये इजीली लग जाता है। तो इसको घर में रखना भी शुभ मानते हैं, काफ़ी ये ग्रीन रहती है इसकी लिप्स। और यहाँ मेरा ये देखो ए 4 o'clock, इसमें रानी कलर का बहुत सुंदर फूल आता है। और यहाँ पे ये मनी प्लांट है, और ये एग्लोनिमा देखो कितना खूबसूरत इसकी पत्तियाँ लगती हैं। और एक ये वाला है पिंक वाला, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। और ये देखिए ये भी कितना खूबसूरत लगती है पत्तियाँ इसकी भी, तो बहुत सुंदर है। ये देखो ये कोलियश भी इतनी खूबसूरत लगते हैं, ये अलग है, ये अलग है, बहुत सारे कोलियश हैं मेरे पास। और यहाँ देखिए कलेडियम लीफ कितनी खूबसूरत लगते हैं। और एक यहाँ पे है, ये देखिए ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। और काफ़ी सारे प्लांट हैं, ये सफेला है, और ये साइप्रस है, और यहाँ पे मनी प्लांट का है, और ये देखो जीजी प्लांट भी काफ़ी ग्रीन रहता है, बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखो इसके लिए पीछे भी रखना बहुत शुभ माना जाता है। और यहाँ पे ये मनी प्लांट है, और ये इंग्लिश आईवी की ये बास्केट है, तो ये भी इसकी लीफ भी बहुत सुंदर लगती है और थिक होती है, बहुत प्यारी लगती है, वेरीगेटेड। और ये देखिए यहाँ पे ये कुछ और कोलियस भी रखे हैं, ये देखिए। और देखिए हल्ला मचाती है, ये बिल्ली भी आ गई है, इसको अभी दूध पीने का टाइम है, तो ये भी बोलने के लिए आई कि हाँ भाई मुझे दूध दे दो। ये देखो वो मेरे नीचे आने से पहले ही आ गए दोनों के दोनों दूध की वजह से, ये देखो कैसे चुपर है, कह रहे कि दूध पिलाओ हमें, सुबह का टाइम है। उधर छुप गया है सोफे के नीचे, ये देखो कितना खूबसूरत लगता है। अब उसको बुला के ले जाएगी, जाओ अब जाओ, दोनों अभी दूध ला रहे, चलो 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 जाओ, दोनों जाओ भाई पे, मैं दूध लेके आ रही, चलो वीडियो बना ली मैंने, चलो 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 चलो। और अपने गार्डन में इस तरह के प्लांट भी, लाल पत्ती वाले, ये भी खूबसूरत लगते हैं, अगर बीच में रख दो ग्रीन के, तो बहुत इसमें अच्छा लुक आता है, बहुत सुंदर लुक आता है इसका भी। और यहाँ वेरीगेटेड मौसरी है, रानी कलर की, बहुत खूबसूरत है। और ये देखिए ये मदर प्लांट, 1000 मदर प्लांट, इसमें कितने सारे बेबीज लगे हैं, और अब तो ये बड़े बड़े हो गए हैं। अगर एक छोटा सा बेबी मिल जाता है, इतना छोटा, तो ये कितने प्लांट कर देता है। ये देखिए बेबीज पे बेबीज हैं इधर, तो ये मैंने एक ही छोटे छोटे एक दो बेबीज लाए थे, तो मेरे इतने सारे प्लांट बन गए, बहुत अच्छा प्लांट है, ये भी ग्रीन लगता है। और यहाँ पे कुछ ऐसा लुक है, ये देखिए कोलियस सिंगोनियम, और ये ग्रीन मनी प्लांट। और यहाँ पर कुछ, ये देखिए काफ़ी सारे हैं, ये चमेली का प्लांट है, ये फर्न है, और भी इतने सारे प्लांट हैं यहाँ पे। ये देखिए कुछ लुक इस टाइप का है, ये एरोकेरिया है। और ये सारे मेरे बहुत सारे मनी प्लांट हैं अलग अलग,
और ये प्लूमेरिया है, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पर ये देखिए ये भी खिल रहे हैं, देखो हिबिस्कस के भी काफ़ी खिल रहे हैं, और एक बहुत खूबसूरत सा ये लगता है फूल, ये भी अच्छा लगता है पर्पल कलर का, और भी बहुत सारे हैं, तो अभी पूरा तो कवर नहीं कर पाऊँगी मैं, तो आगे की वीडियो में डाल दूँगी। और अगर आज मेरी वीडियो में कुछ गलती हुई है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, तो क्योंकि इतनी बारिश थी मैं बहुत जल्दी जल्दी बना रही थी, कुछ ऐसे लगा जैसे क्या मैं खेल सा कर रही हूँ, तो मुझे भी अच्छा तो लग रहा था बनाते हुए, मगर देखो बारिश में जल्दी जल्दी बना रही थी, एक तरफ बारिश को देख रही थी, और इसीलिए तो जल्दी में सब ये कुछ हुआ वीडियो में, तो फटाफट ये देखो ऐसे बनाई मैंने। तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक देना, और पहली बार है तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना, और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।